पहले देश की आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिवाली का समय है, आप सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की ये वजह और आज हम ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर डिस्कस करने की वजह है, क्योंकि साल में हर इंसान कोशिश करता है जो दिवाली का मौका होता है वो कम से कम शॉपिंग करे, अपने घर वालों की ज़रूरतों को पूरा करे। और दिवाली एक फेस्टिवल टू सेलिब्रेट एंजॉयमेंट, खुशी। तो वो खुशी के माहौल में आपको देखेगा, हर ऐप में आपको स्कीम्स मिलेगी, दिवाली धमाका, दिवाली सेल वगैरह वगैरह एंड ऑल। आज मैं बात कर रही हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर हुए हुए एक बहुत बड़े फ्रॉड के ऊपर। मैं एक प्राइम कस्टमर हूँ अमेजोन का। अमेजोन से मैं महीने की लाखों रुपए की शॉपिंग करती हूँ। मेरी अपनी पांच कंपनीज हैं, पांच कंपनीज में हमें जो भी एसेसरीज लगती है, जो भी हमें चीज़ें लगती है, चाहे वो ग्रॉसरी से बात हो या वो टेक्निकल कोई चीज़ की बात हो, सारी चीज़ें अमेजोन से आती थी। अमेजोन से मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया, एक जिम इक्विपमेंट मशीन, और वो मशीन का इंस्टॉलेशन ऑन टाइम नहीं होने की वजह से मैंने उसको रिजेक्शन पे डाला कि आप रिजेक्ट करके आप अपना प्रोडक्ट ले जाओ, ऑन टाइम आपने इंस्टॉलेशन नहीं किया तो आप सर्विस क्या दोगे। एज अ कस्टमर आई वॉज राइट। आज का ये लाइव और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की वजह, अमेजोन ने मुझे ये मेंशन किया कि आपको ये मशीन कंपनी तक डिलीवर करनी होगी, हम इसे पिकअप नहीं करेंगे, और आफ्टर द डिलीवरी यू विल गेट रिफंड इन योर अकाउंट। तो एज वी बीइंग ट्रस्टेड विद अमेजोन फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, इतना बिजनेस हमने उनके साथ किया था कि जब 2-2.5 लाख रुपए की महीने भर में ट्रांजैक्शन हो सकती है, तो फिर वो 15-20 हज़ार रुपये की मशीन की क्या बात थी। अमेजोन बोल रहा है भेजने, तो हमको भेजना होगा। एंड मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस क्या लगा था कि जैसे ही हम किसी कॉल पे बात करते हैं, हम उस कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन में ये सारी फैसिलिटी होती है। बट जैसे ही मेरे फोन को मैंने क्लिक किया रिकॉर्ड करने के लिए, तो कॉल रिकॉर्ड नहीं हुआ। बेसिकली अमेजोन को अगर आप नहीं जानते होंगे, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वो कंपनी बोलेंगे इसको, मार्केटिंग ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी बोलेंगे। इस कंपनी में अगर फ्रॉड हो सकता है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता होगा। इस कंपनी ने मुझे कहा कि आपको डिलीवर करना होगा। जैसे ही कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का मुझे इनकमिंग कॉल आया अमेजोन से, एंड शी मेंशन मी कि मैम आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होगा, ये इक्विपमेंट टू दी मैन्युफैक्चरर। तो मैंने उनको बोला कैसे करना है, तो शी सेड मी, शो मी माई फोन। शी सेड मी कि यू हैव टू ओपन योर अमेजोन ऐप। आप ओपन करते ही आपको मैसेज सेंटर में जाना है। लुक एट दिस, ये मैं मैसेज सेंटर में आ गई। ये मैसेज सेंटर में जाने के बाद में उन्होंने मुझे जैसे गाइड किया, वी हैव अ प्रॉपर कॉल रिकॉर्डेड जो मैंने क्राइम ब्रांच के लिए बना के रखा हुआ है। ये हमने ओपन किया, ये ओपन करते ही उसने, ये 3 तारीख की बात कर रही हूँ मैं, ये 3 तारीख को बंदी ने मुझे एक लिंक शेयर की। उस लिंक पे लिखा हुआ है कि ये मुझे स्टिक करना है पार्सल के साथ में वापस, इसके ऊपर का प्रोफेशनल खोलने का मैसेज। और दूसरा लिंक उसने मुझे भेजा और वो बेच के ही बोला कि ये लिंक को मुझे उठा के गूगल क्रोम में ओपन करना है। मैं चाहती हूँ देश की आवाम मुझे गौर से सुने। अमेजोन जैसी एक बड़ी कंपनी से एक इनकमिंग कॉल आता है हमारे क्वेश्चन रेज करने पे, जहाँ पे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव मुझे कहता है कि मुझे प्रोफेशनल कुरियर वाला स्क्रीनशॉट। उन्होंने जैसे लिंक मुझे भेजी, लिंक मैंने क्रोम पे ओपन की, प्रोफेशनल कोरियर का एक ऑफिशियल पेज ओपन हो गया। प्रोफेशनल कोरियर का पेज ओपन होते ही हमने जैसे ये लिंक मुझे अमेजोन ने भेजी है, ये मेरे अमेजोन के प्राइम कस्टमर के ऑफिशियल अकाउंट के इनबॉक्स में है। ये लिंक को मुझे ओपन करके गूगल क्रोम में पेस्ट करना था, पेस्ट करते ही पेज ओपन हुआ वेयर आई गेट कनेक्टेड विद प्रोफेशनल कोरियर। लेट मी गो अहेड। जैसे ही मैंने लिंक ओपन की प्रोफेशनल कोरियर की, मुझे दूसरा पेज ओपन हुआ है। इस बंदे से मेरी बातचीत शुरू हुई। इसने मुझे कहा, मैडम आपको बताना होगा कि हमें कहाँ से, ये वो नंबर है अमेजोन का जिससे कॉल आया है, यू कैन सी इट्स ए लाइन लाइन नंबर, ठीक है। अमेजोन के ये नंबर से कॉल आते ही इस बंदे से मेरा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ कि मुझे एड्रेस डालना है कहाँ से उन्होंने मशीन पिकअप करनी है। जैसे ही मैंने एड्रेस डाला, उसने कहा कि जिप कोड में मुझे मेरा सिटी कोड डालना है, सिटी पिन कोड डालना है। सिटी पिन कोड डालते ही उसने कहा कि कंफर्मेशन के लिए 2 रुपया मुझे पे करना है, क्योंकि मुझे अमेजोन के कस्टमर केयर ने कहा था
पेमेंट मुझे ही करनी है और अमेजोन उसको रिफंड करेगा पेमेंट को। मैंने 2 रुपए के लिए अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के 2 रुपए जैसे ही शुरू किया, मतलब 2 रुपए के लिए टाइप किया, ये है ट्रांजैक्शन, ये मेरे क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डेबिट हुए। ये हमारी 3 महारथी बड़ी कंपनीज ने मिलकर किया है, 1 अमेजोन, 2nd प्रोफेशनल कॉरियर और 3rd लाइफ लॉन्ग फिटनेस मशीन। अब जब हमने अमेजोन को वापस कॉल किया कि इतना इतना पैसा डिडक्ट हो गया है और क्रेडिट कार्ड में हिट होते जा रहा है, इमीडिएट मेरे एक स्टाफ ने मुझे कहा कि जो लिंक उसने भेजी है उसे मैं अनइंस्टॉल कर दूं। लड़की ने जो लिंक मुझे भेजी थी उसे मैं अनइंस्टॉल कर दूं। अनइंस्टॉल करते ही जो होते हुए ट्रांजेक्शन वो रुक गए, लेकिन तब तक मेरे अकाउंट से 2 बड़े अमाउंट कट चुके थे। कहने का मतलब ये है कि दिवाली का समय है, लोग सोचेंगे मेरे 2,000 उड़ गए, मेरे 5,000 उड़ गए, मेरे 10,000 उड़ गए, मेरे 30,300 रुपये उड़ गए। ठीक है, अगर सही समय पे मैंने आपको अनइंस्टॉल नहीं किया होता और अपने कार्ड को इमीडिएट ब्लॉक नहीं कराया होते, तो मैसेजेस तो बहुत सारे हैं जो आते ही जा रहे थे। लिमिट जितनी होती उतने कटते, या अकाउंट में जितना पैसा होता उतना कट जाता। कहने का मतलब ये है कि हम कस्टमर की बात कर रहे हैं, हम कंज्यूमर राइट की बात कर रहे हैं। मैं तो 125 रुपये के लिए कोर्ट पहुंच गई, योगा बार की कंपनी की, मैंने कोई एंगल नहीं छोड़ा मैंने उसके लिए। ये 30,300 रुपये मेरा जो अमेजोन ने गैर कानूनी तरीके से कमाया है मेरे जैसे, और पता नहीं कितने कस्टमर दिन भर में फ्रॉड होते होंगे, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी और उसके साथ में प्रोफेशनल करियर जैसी बड़ी कंपनी, बंदा पैसा पे करने से पहले सोचेगा क्यों? क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कॉल करवाते हो, इनकमिंग कॉल पे आप चीजें मेंशन करते हो, एरिया जिप कोड से लेके सब कुछ आप हमसे मांगते हो, क्योंकि हमारा ऑलरेडी बैंकिंग कार्ड आपके साथ कनेक्ट है, अमेजोन के साथ पहले से ही, तो हम तो ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। तो अमेजोन बेसिकली एक ट्रेडिंग कंपनी जो किसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से चीजें उठा के कस्टमर तक पहुंचाता है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा घातक है। आज ये जो चीज अमेजोन के थ्रू मेरे तक मैंने खुद फेस की है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है लाखों कस्टमर्स के साथ ये होता होगा। मैं बात करूं 3 नवंबर फ्राइडे मॉर्निंग 11 बजे की, जिस तरीके से वो बंदा मुझे कन्विंस कर रहा था, वी हैव ऑल द वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस, मुझे कन्विंस कर रहा था। तो आम घर में खाना बनाने वाली और रोटी बेलने वाली औरतें तो कन्विंस हो ही जाती होंगी कि भाई पैसा रिफंड चाहिए तो डिलीवरी के लिए 2 2 रुपये पे कर देना। बात यहाँ पर कंपनी के और कस्टमर के ट्रस्ट की। मैं चाहती हूँ, मैंने ऐसी कंप्लेंट रेज की है साइबर क्राइम को, साथ में क्राइम ब्रांच को मैंने ऐसी कंप्लेंट दी, क्योंकि ये प्रॉपर एक फ्रॉड एंड फॉर्जरी कस्टमर के साथ में करना, इसके लिए मैं अमेजोन को किसी एंगल से नहीं छोड़ूंगी। इट्स माई वार्निंग टू अमेजोन, आप मुझे मेरा पैसा रिफंड करो। और साथ ही जो लड़कों ने मुझसे फोन पे बात की, जिन्होंने बात करके ये पैसा, आपने प्रोफेशनल कुरियर का नाम लिया, अमेजोन मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि मैम अमेजोन ने आपके साथ में फ्रॉड नहीं किया, प्रोफेशनल कुरियर ने किया है। तो आप प्रोफेशनल कुरियर, आप अमेजोन और तीसरा लाइफ लॉन्ग फिटनेस, तीनों के तीनों कोर्ट में आके साबित करना कि पैसा लिया किसने है। कि गलती से जो वो आम व्यक्ति घर में बैठ के धोखे को बर्दाश्त करता होगा, ना मैं वैसा कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही है लोगों को हक दिलाना। तो वो खुदा की कुदरत है कि फ्राइडे के दिन वो मेरे साथ फ्रॉड होना था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे 30,300 रुपये कोई खा गया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे 30,300 रुपये इन्वेस्टेड है अमेजोन में, और वो पैसे मैं लेकर। आप अच्छी तरह दोगे तो अच्छी बात है, अच्छी तरह नहीं दोगे तो अमेजोन जैसी कंपनी मेरे देश में नहीं चलनी चाहिए। फिर मुझे मारने की कोशिश करना, जब तक की कोशिश रहेगी, जब तक कंपनी बंद ना करा। प्लीज औरतों के लिए क्या करने वाले हो ये बताओ। महाराष्ट्र के चुनाव से पहले मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में जितने 376 रेप केसेस और पॉस्को जैसे अपराध हुए हैं, उसके प्रति जितने विक्टिम्स को गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड रेज होने चाहिए, तो कितने परसेंट विक्टिम्स को फंड रेज हो चुके हैं बिफोर दी महाराष्ट्र कॉरपोरेशन इलेक्शन। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर से अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ हर सवाल को पूछने के लिए। बहुत जल्द आप देखेंगे, आपने मुझे उस दिन फोन किया था कि उर्फी जावेद नामक लड़की को बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, क्या मैं कुछ कहना चाहूंगी? तो क्या है ना दोस्तों, मेरे पास काम बहुत है, मेरे पास काम बहुत है। मैंने काम दिया था बांद्रा पुलिस स्टेशन को कि एक लड़की ऐसे अभद्र कपड़े पहन के घूम रही है, थोड़े दिन बाद आपने देखा उसने ट्रांसपेरेंट
सिलिकॉन क्या बोलते हैं ब्रेस्ट प्लेट लगाई, जिसे ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं, या सारे मर्द खड़े, मुझे नहीं लगता कोई भी अपने घर की औरत को अलाउ करेगा। अब वो कहेगी मैं तुम्हारे घर की औरत नहीं हूँ, लेकिन तू मेरे देश में नंगी घूम रही है, तो तकलीफ मुझे ये है। उसे बुलाया गया पुलिस स्टेशन, वो आई तमाशे के कपड़े पहन के, पीछे कुछ लिखा के, अब पता नहीं कॉकरोचेस की डॉन होगी तो लिखवा के आई थी वो। अब उसके बाद में पुलिस का एक, उसने एक वायरल वीडियो बनाया जो उसने अपने मजे के लिए बनाया था, उसके ऊपर कुछ लीगल कार्रवाई की, मैंने भी मांग की देश में और कहीं परिजनों ने की वो मांग, और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई। हाँ बात करूंगी, मैंने जो केस फाइल किया था उस केस का स्टेटस क्या है, वही बांद्रा पुलिस स्टेशन जहां का सीनियर पीआई, याद होगा आप लोगों ने मेरा उस पर प्रेस बाइक लिया था कि जहां पर सीनियर पीआई ने मुझे ये कहा था कि आई एम सॉरी मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बट देखिए ना, फॉर्चुनेटली हमारे देश का कानून सबके लिए कितना सामान्य है कि मैं कोर्ट से ऑर्डर लेकर आई और अब उर्फी जावेद के बराबर बांद्रा पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं ताकि वो क्लेरिफिकेशन दे के वो ऐसे क्यों घूमती है। और उसने जिस तरीके की धमकियां मुझे दी, वो उसने धमकियां किस बेस पे दी। तीसरी, उसने जो ये कहा कि उसके पास मेरे डांस करते हुए, मेरे पी के गिरते हुए मेरे न्यूड वीडियोस कुछ है उसके पास, वो तीसरी चीज वो साबित करे। चौथी, वो जिस तरीके से उसने मुझे आकर गाली दी लाइव आकर, उस तरह सामने भी आ जाए यार, वो कोर्ट में साबित करे अब कि उसने जो गाली दी, जिससे मेरी जितनी बेइज्जती उसने करनी थी उसने कर ली, अब सामने तो उसके आने की ताकत है नहीं, मैं उसके पीछे भाग सकती नहीं हूँ, कानून का काम है। तो उर्फी जावेद के सब्जेक्ट पे सिर्फ इतना ही कहूंगी, कोर्ट में मिलूंगी मैं उससे और देखूंगी उस दिन क्या पहन के आई है, क्योंकि मैंने तो कहा है कि ये मुझे अगर नंगी दिखी, वो नहीं कोई भी लड़की, कोई भी हिंदुस्तानी लड़की अगर रोड पे नंगी घूमती है, जिसने अपनी बॉडी को एग्जिबिशन का बोर्ड बना के रखा है, तो कसम है पैदा करने वालों की, ये माँ का हाथ जरूर उठेगा। मेरे लिए मेरी बेटी जितनी इंपॉर्टेंट है उतने सबके बच्चे इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए टीचर मेरा काम है कि कोई अगर किसी औरत का कपड़ा फटता है या कहीं से कुछ खुला दिखता है तो मैं मेरा कोट निकालूं और उसको ढाकूं। और कोई औरत अगर ये कहती है कि मैं औरत हूं, मैं नंगा घूमने का हक लेके पैदा हुई हूं, जस्ट बिकॉज वी हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जस्ट बिकॉज वी हैव फ्रीडम ऑफ लिविंग इंडिपेंडेंट इन इंडिया, इट डजंट मीन दैट वी कैन रोम व्यूड। अब कोई लड़का घूमे तो चलेगा क्या, पुलिस छोड़ेगी? मुझे बताओ, लड़कों के घूमने पे बेचारे रणवीर कपूर को नहीं छोड़ा था क्या, रणवीर सिंह को नहीं छोड़ा था? ये तो अभी टेक्निकल थिंग्स है। आपको लगता है इस तरह के कपड़े पहन